2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी सांसदों को एक गांव गोद लेने की घोषणा की थी। इन सभी गांव को आदर्श गांव बनाने का ऐलान किया गया था कि ये कितना आदर्श बने हैं गांव, ये जानने के लिए हम आज मेरठ के भगवानपुर चट्टान गांव में पहुंचे हैं, जिसको स्थानीय सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने गोद लिया हुआ है। कितना यहाँ पर विकास कार्य कराया गया है, गलियाँ कितनी पक्की बनी हैं, नालियों में कितनी पानी निकासी की व्यवस्था की गई है, तालाबों के क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हम गांव के लोगों से बात करेंगे। भगवानपुर के गांव ग्रामीण हैं हमारे साथ। सबसे पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे कि सांसद ने आपके गांव को गोद लिया था और कितना आदर्श बना आपका गांव? सांसद जी ने जो गोद लिया हमारा गाँव, वो गोद लेने का मकसद ये है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में रख के उसका पालन पोषण सही तरह से करती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है, खाने का, पीने का, नहाने का, तो ऐसे ही ये गांव के विकास के लिए जो कार्य होने थे वो पूरी तरह नहीं हो पाए हैं। जैसे तालाबों की सफाई है वो पूरी अभी नहीं हो पाई है। कुछ गांव में रास्ते ऐसे हैं जहां अभी पानी भरा हुआ है, जैसे कि हमारे गाँव से सोयापुर को जाने वाला रास्ता है उसमें अभी भी पानी भरा हुआ है, उसके निकासी का कोई समाधान नहीं हुआ है, तो वो समाधान कराना चाहिए। सांसद साहब ने कितने विकास कार्य कराए आपके गांव में जब से गोद लिया? करीब 6 साल से ज़्यादा वक्त हो गया गोद लिए। लाइटें लगी हैं, मेरे तो लाइटें कोई ध्यान है, बाकी और आप लोग बताओ क्या है। स्कूल की क्या व्यवस्था है, क्या कॉलेज बना है, क्या यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध हो? स्वास्थ्य संबंधी जो सेवाएं हैं वो तो हैं, स्कूल कॉलेज पहले से ही हैं, वो चल रहे हैं सही तरह से, वो सब पहले ही है उनके। पर उनमें कोई टीचर वीचर तो ना आते स्कूलों में, और लोग हैं उनसे बात करेंगे। आप बताएंगे कि आपका गांव कितना आदर्श हुआ है? अरे जैसा भी बताया था वही आदर्श हुआ है, कुछ आदर्श कुछ नहीं हुआ। क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं, जिस तरह से इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि शहर जैसी सुविधाएं आदर्श गाँव में दी जाएंगी? बस लाइट लगी है, बाकी कोई सुविधा नहीं है। बाकी रास्ते आप देख रहे हो अभी भगवानपुर से, वो लाइट भी जो है ये तुम्हारे विजयपाल सिंह तोमर जी ने लगवा दी है, बाकी सांसद जी का कोई रोल नहीं इसमें नहीं है। सांसद साहब कितनी बार आपके गांव में है, कितनी बार आप लोगों से? जीतने के बाद एक बार नहीं आए। बिल्कुल देखिए, ये ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि जब से सांसद चुने गए हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, अब तक भी इस गाँव में नहीं आए हैं, और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। बाबू जी आप बताएंगे आपका गाँव कितना आदर्श हुआ है और कितनी बार आप लोगों से आकर सांसद साहब मिले हैं? सांसद साहब तो आज तक आए ही नहीं, जब से आज तक आए नहीं है, वो ना विकास हुआ ना उन्होंने आए के ये काम देखा भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। उन्होंने एक रुपए का काम नहीं करवाया हमारे गांव में, कुछ काम वाम ना हुआ, यानी जैसे गोद ले रखा जैसे काम होने चाहिए उस स्तर पे कोई काम नहीं हुआ। क्या क्या समस्याएं ग्रामीणों के सामने आती? समस्या तो सभी है, तालाबों की भी है, रस्ते की भी है, पानी भराव की सभी है, स्कूल कॉलेज पर जो पहला है वो जूकत हुआ, उन्होंने नया कुछ नहीं करवाया। बस स्वास्थ्य केंद्र है उसकी हालत जाके देख लो, उसमें अगर कोई आता भी हो झाड़ू लगे भी जो है कितने दिन हो गए होंगे, क्या हालत है वहाँ, कोई यूं ही नहीं कह सकता कि यहाँ कोई आवे, कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल, जब से सांसद चुने गए हैं वो गांव में आकर के अभी तक इन ग्रामीणों से नहीं मिले हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहेंगे आप अपने गाँव को कितना आदर्श देखते हैं, सांसद साहब ने गोद लिया था, कितनी बार वो यहाँ पर आए हैं और कितना आदर्श हुआ है आपका गांव? भैया जी उनके आने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि आखिर वो करेंगे भी क्या, क्योंकि उन्हें तो लोकसभा जीत ली और अपने घर बैठ गए, नाम ही आदर्श है, गांव में कोई आदर्श काम कोई नहीं है। और रास्ते का यू हाल है, 1-1 फुट जो रास्ता उसमें पानी चढ़ा हुआ है, आप जाकर देख लियो कि है या नहीं है, मैं समझ निकलना भी दुश्वार है। सांसद साहब से आप लोगों ने कोई कंप्लेन की या शिकायत की इस बारे में, तो उनका क्या रिएक्शन है? जो योगी ने नंबर दे रखा है उस पर कई बार डाल लिया, कोई सुनवाई नहीं है उसकी। सांसद साहब गांव में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते जी। आप लोग ने प्रयास किया मिलने का, तो क्या कुछ रिएक्शन मिल रहा है? भाई साहब कुछ नहीं, बस विजयपाल जी ही आते हैं जब कोई जरूरत पड़ जाती है, नहीं गांव में आने का कोई मतलब नहीं उनका। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। देख बिल्कुल जिस तरह से सांसद साहब ने गांव को गोद लिया और तमाम शहरी सुविधाएं गांव में देने की बात कही गई थी, युवाओं से बात करते हैं। आप बताएं बेटा, आप स्टूडेंट हैं, युवा हैं, तो कितना आदर्श हुआ आपका गांव? कुछ भी ना हुआ आदर्श तो। क्या क्या दिक्कत है गाँव में? सारी दिक्कत है, मेरे को स्टेडियम जाना पड़ रहा, तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो जब सांसद साहब ने गाँव में गोद लिया था उस समय कैसा माहौल आपके गाँव में बना था, क्या उम्मीदें थी आपको? उम्मीद ही हमारे गांव में स्टेडियम बनेगा, स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, यहाँ तो कुछ भी ना हो पाया। तो क्या कहना चाहोगे सांसद? क्या सांसद जी तो भाई जो कहना जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी ना हो पाया, अगली योजना हम बताएंगे बाकी।
आप मिले हैं सांसद साहब से कभी? कितनी बार सांसद साहब आपके गांव में? एक बार देखे हैं जी, विजयपाल तोमर बाबा जी के आए हैं हमने, जब उनसे मिलना हुआ उनसे एक बार हमारा। कभी आए नहीं गांव में? एक आध बार आए हैं, बाहर से बाहरी गांव में आके चले जावे हैं, कभी अंदर तक अंदर नहीं आ पाए वो। देखिए युवाओं का भी दर्द है कि जब से जब इनका गांव आदर्श गांव के नाम से घोषित किया गया था तो गांव में खासा जश्न का माहौल देखा जा रहा था, लेकिन अब भगवानपुर के गांव सांसद द्वारा गांव गोद लिए जाने के बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। रोशन लाल सैनी, ईटीवी भारत, मेरठ।